ताला उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे पास दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, और इसी तरह मैं अपना प्यार देता हूं। जी मैं मुहम्मद को आज हम जिस वीडियो पे डायरेक्ट कर नाम का बोल ले जानते हैं। अच्छा तारिक मामू, मेरा नाम मुअज्जम अली। आज हम जिस वीडियो पे डायरेक्ट करने जा रहे, वीडियो का जो टाइटल हिंदी में लिखा है लेकिन जो कराची बम ब्लास्ट हुआ था उसके रिलेटेड है, जो चाइनीज मारे गए। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन पर देंगे। कौन करते हैं इवान मिनिस्टर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी घटना घटी है जिसने चीन की राजधानी बीजिंग में बैठी कम्युनिस्ट सत्ता को भी हिलाकर रख दिया है। और पाकिस्तान की जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है, जो सेना है, आईएसआई है, सरकार है, सब इस समय थरथर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सबको पता चल चुका है कि जो एक घटना घटी है उनके लिए बहुत घातक साबित होगी। उनका जो आयरन ब्रदर है यानी कि चीन, वो पाकिस्तान की अब लंका लगाकर रख देगा। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि इस समय चीन गुस्से से भरा बैठा है और गुस्सा आना भी चाहिए। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस घटना के बारे में जान लेते हैं। दरअसल अब से कुछ घंटे पहले खबर कुछ ऐसी आई कि पाकिस्तान का जो कराची शहर है, वहां पर कराची यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के गेट पर एक जबरदस्त अटैक हुआ। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान में तो रोज अटैक होते रहते हैं, इस बार क्या खास था? खास ये था कि इस हमले में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था और हमलावर सफल भी रहे। और अब तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार एक पाकिस्तानी ड्राइवर और करीबन 3 चीनी नागरिक इसमें मारे गए हैं। और ये तीनों व्यक्ति टीचर थे, जो पढ़ाते थे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। वहीं बात करें कि ये हमला किसने किया है, तो अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। वहीं अपने नागरिकों की मौत से चीनी सरकार गुस्से से भरी बैठी है। चाहे पाकिस्तान की सेना हो, सरकार हो, आईएसआई हो, सबको चीन ने तलब किया है और उनसे बहुत ही सख्त लहजे में जवाब मांगा है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि पिछले एक साल के अंदर 2 दर्जन से भी अधिक चीनी नागरिक पाकिस्तान के अंदर हमलों में मारे जा चुके हैं। और इससे जो चीन का सीपैक प्रोजेक्ट है वो पूरा खतरे में पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि अब चीन के लोग भी पाकिस्तान आने से डर रहे हैं। चीन बड़ी मुश्किल से मनाकर उन्हें पाकिस्तान भेजता है और फिर कुछ ही महीनों बाद खबर आती है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को मारा जा रहा है, आतंकी चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे कि चीन के अंदर भी लगातार पाकिस्तान को लेकर डर का माहौल फैल रहा है, जिससे कि जो लोग हैं वो पाकिस्तान जाने से कतरा रहे हैं। वहीं इससे चीनी सरकार भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि हमले एक साल से हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने पूरे देश के अंदर जहां भी चीनी नागरिक होते हैं वहां पर सुरक्षा तैनात करके रखी हुई होती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और चीन के नागरिक पाकिस्तान की सुरक्षा को कितना सेफ मानते हैं, ये इस बात से अंदाजा लगाइए कि लगातार पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें चीनी नागरिक अपने साथ राइफल लेकर घूमते हैं। कई तस्वीरों में तो चीनी नागरिक AK-47 भी लेकर घूम रहे होते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी सेना की काबिलियत पर कितना भरोसा है। वहीं आपको आने वाले एक हफ्ते में एक और खास चीज दिखेगी कि ना सिर्फ चीनी सरकार बल्कि चीन की जो सरकारी मीडिया है, जो प्रोपेगेंडा मशीन है, वो भी पाकिस्तान के सर पर खूब चढ़ने जा रही है। और जो ये इवेंट हुआ है ना पाकिस्तान का, इसे इस समय पूरी दुनिया कवर कर रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वाशिंगटन पोस्ट जैसा बड़ा मीडिया संस्था भी इसे कवर कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हालांकि आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और ये तो दुख की बात है। अच्छा, किसी की भी जान जाए, जान कीमती होती, चाहे चाइनीज की हो, चाहे पाकिस्तानी, चाहे इंडियन की हो, तो जान जो है वो कीमती होती है। लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है कि जो वीडियो मैंने देखी है भाई, कि वो एक औरत थी और औरत ने खुद कष्ट माका किया। अब सोचने पहना हुआ था। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है भाई कि चलो मर्दों का तो चलो उनको हो गया कि लालच है कि जन्नत में जाएंगे, बहत्तर हुरे मिलेगी, ये कहते हैं अक्सर लोग। तो औरत को क्या लालच दिया? जो हालात चल रहे हैं मेरा भाई, जो जिस तरह उसने कैसी सोच उसके माइंड में चल रही होगी जब वो चल के आ रही होगी मौत के मुंह में,
भाई उसके दाल उसके जो हो है सकता ना है। लिबास उसका जो बुर्का उससे फायदा उठाया गया है और औरत से फायदा उठाया है, दो चीजों से फायदा उठाया। मर्द तो उधर जा नहीं सकता ना, वो मर्द का चलो एक और जिगरा होता है, मर्द का एक और सोच होती है, जिगरा होता है, ब्रेन वॉश हो जाता है ठीक है, लेकिन एक औरत पैसे के लिए बिक सकती है भाई। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के मौसम भाई, बात सोचने वाली ये है हो सकता है उसकी औलाद को किडनैप किया, उसके किसी फैमिली को हर बंदा पैसे के लिए थोड़ी करता है ऐसा काम। उसकी अगर फैमिली को पूरी को टारगेट में रखा हो कहेगा कहेंगे कि हम तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ा देंगे, नहीं तो भाई बात में उसकी फैमिली वालों को उन्होंने सपोर्ट करना ही है ना पैसे का डाले सपोर्ट क्या, जब ऐसे बंदे को पकड़ लेते हैं भाई, जब जिसको वो बनाएंगे ना वो बंदी बनाएंगे उसको भी मार डालेंगे, ताकि वो कल को बोले ना कि भाई हमारे राष्ट्रवाद को खत्म करना चाहते हैं वो बस वो बेचारी उसके माइंड में होगा शायद भाई, मैं अपने से सोच रहा हूँ, आप ये मत बोलिएगा कि ये ऐसा हुआ है, ऐसी चीजें मुमकिन है। अच्छा तारा के टारगेट जो किया गया है ना चाइनीज को किया गया है, इसमें भी बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, कुछ भी मुमकिन है, लेकिन वो ब्लॉक जो है वो लिबरेशन आर्मी उन्होंने कहा है कि भाई हमने मरवाया जो बलोच आजादी की कहते हैं क्या मजाक। अच्छा उन्होंने मान भी लिया है, उन्होंने क्लेम किया कि भाई हमने किया है, तो ये वो जब मान रहे थे भाई हम किसी के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, नो राइट भाई हम इल्जाम नहीं लगा सकते किसी के ऊपर, लेकिन जिसने भी किया वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सी पैक साफ जाहिर है बलोचिस्तान से बन रहा है, वो नहीं चाहते क्योंकि जो सारे उनके कुदरती सोर्स हैं वो चाइनीज इस्तेमाल कर रहे हैं, बलोचिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि उनके जो सोर्सेज हैं जो मिनरल्स हैं वो चेंज निकालें वो इस्तेमाल करें इसका फायदा। जिस तरह ना गोरों ने हुकूमत की थी बरसगीर के ऊपर, उन्होंने सभी कुछ चीजें लूट कर ले गए थे, गए कितना तो ये भी चाहते हैं ये सूरत दोबारा ना पैदा हो, जिस तरह ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो कितनी मछलियां उधर पकड़ के ले गए, लोगों का रोजगार जहाँ से चलता है बेचारों का, ऐसी बात ही है तो नुकसान तो होता ही है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन जो है बहुत खराब है, अगर इस तरह होता ना तो पाकिस्तान जो है वो कभी ऊपर ऊपर नहीं उठ पाएगा। अब चाइनीज है वो जो फंडिंग दे रही थी वो बंद कर देंगे और ऊपर से वो पैसे भी मांगे कि बिलियन मिलियन ऑफ डॉलर मांगेंगे, कहेंगे कि हमें दो। अच्छा चाइनीज जो इधर है ना वर्कर जो सी पैक स्पेशल फोर्स भी बनाई हुई पाकिस्तान के अंदर है ना सीपी जो इस तरह वो तो पाकिस्तान के हैं वो, लेकिन सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बनाई है ना, सिक्योरिटी के लिए हां वो बनाई गई है। तो भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एक औरत जो है वो उसकी फैमिली हो सकता है फैमिली को अगवा कर लिया हो और कहा हो कि अगर इस तरह ना मारी तो भाई तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ा देंगे, इस तरह से जो है ना चैनी का रद्द अमल भी हमारे खिलाफ हो सकता है, होगा भाई होगा, वो बोल रहे हैं नागरिकों को अगर वो भी एक, लेकिन ये कि हमारी एजेंसियां इसमें नाकाम हो रही ये बात, उसका भी बंडा फूट रहा है ना, उसका बंडा फूट रहा है, कई दफा कितने ज्यादा बम ब्लास्ट हो चुके तो वो फेलियर तो हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने इस तरह का वाकया होना खतरा है कि नहीं बुरके में, अब नॉर्मल कपड़ों में होती है औरत इस तरह आ सकता था बम नहीं आ सकता। अच्छा इस तरह का एक और भी जिस तरह वो इंडिया वाले बैन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को पाकिस्तान भेजने के लिए, तो ये रद्दिया पर उनके सामने वो किस तरह अपने स्टूडेंट को भेजेंगे मरवाने के लिए भेजेंगे, सही बात। तो जिस तरह वो बैन कर दे वो भी सिचुएशन को मद्देनजर रख कर भी वो कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ ऐसे कर कुछ ना कोई नहीं कर सकता, कुछ स्टूडेंट का ब्रेन वॉश भी कर लेते हैं, ज्यादातर कश्मीर से ही आते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए क्योंकि उनके नंबर कम होते हैं और वो उधर क्योंकि इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें नंबर अच्छे होना चाहिए, दाखिले नहीं मिलता मेरिट पर ही नहीं बहुत ज्यादा, तो वो इधर आते पढ़ने के लिए इधर से ब्रेन वॉश हो जाता है वो जाके इंडिया में नुकसान करते हैं, तो वो खतरा है। हर कंट्री अपने अपने नागरिक को सिक्योर करने के लिए भी वही भेजेगा जहाँ पर वो सिक्योर फील करेगी हुक्मरान उनके, ठीक है हमारे यहाँ तो इस तरह की सोच। और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अब हालात जो है ये कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, तो ठीक है मिलते हैं इंडिया के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।